रिकमेंडेशन के जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तब मैं थोड़ा रोने लगा था, इमोशनल हो गया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा और गलतियां मैंने थोड़ी की थी, डिफिकल्टीज फेस हुई थी। जैसे मैंने SRTs पे मैंने अपने लास्ट फाइव में थोड़ी सिक्वेंसिंग बिगाड़ दी थी, GD में भी मैं ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था और इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैंने जवाब नहीं दिए थे, तो उसमें थोड़ा मतलब डर लग रहा था कि क्या मैं रिकमेंड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में सेल्फ बिलीफ है तो आप NDA का रिटन और SSB दोनों पार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत बच्चों ने निकाल चुका है। तो आप ये मत डरिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा, बस सेल्फ बिलीव रखिए, हर चीज़ हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वप्निल सिंह है। मैंने NDA 150 के लिए नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम से रिकमेंडेशन प्राप्त किया है और आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे एक बचपन से जो सपना मैंने लिया था उसको अभी पूरा किया। सो स्टार्ट करूँ तो जब मैं क्लास 4th और 5th में था, तो एक दिन मैं स्कूल जा रहा था। तो स्कूल जाने से पहले उस वक्त मेरी एक आदत थी कि मैं TV देखता था रोज़ सुबह। सो मैंने उस दिन भी TV देखा, तो लगभग सुबह 8 बजे का वक्त था, तो मैंने डिस्कवरी चैनल खोला तो उसमें डॉक्यूमेंट्री आ रही थी इंडियन नेवी की। तो मेरे को उसमें थोड़ा अच्छा लगा कि इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि वाओ चलो कुछ देखते हैं। तो जब मैंने उसको देखा, उसके पहले मेरे को कुछ आइडिया नहीं था नेवी के बारे में, बट जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, लगभग आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी, तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्री से मेरे को उस वक्त तो सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिला था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो डॉक्यूमेंट्री मेरी पूरी लाइफ चेंज करने वाली है। तो उस डॉक्यूमेंट्री से मैं इतना इंस्पायर हो गया कि मैंने डिसाइड कर लिया था 5th 6th क्लास में ही कि अब आगे चल के मेरे को करियर में अगर कहीं जाना है तो इंडियन नेवी में ही जाना है। तो जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स ने भी मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि सरकारी नौकरी बढ़िया इंडियन नेवी की थी, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे कि अच्छी जगह पे जा रहा है लड़का, तो पेरेंट्स ने भी मेरे को सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो भी रेगुलर क्लासेस थी क्लास 10 तक की, वो तो मैंने कर ली। क्लास 10th में जब बोर्ड्स में हम लोगों का कोविड आ गया था, जिसके कारण हमारे बोर्ड्स कैंसिल हुए थे उस वक्त, तो फिर जैसे ही हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो गए तो उसके बाद फिर हम लोग क्लास 11th में शिफ्ट हो गए थे। तो क्लास 11th में शिफ्ट होते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब NDA की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, और मैंने अक्टूबर या नवंबर मंथ से अपनी NDA की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मैंने प्रिपरेशन की और जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी उसको मैंने अपना फुल पोटेंशियल से पूरा किया था। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और जो भी मतलब क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मॉक टेस्ट थे, मैंने उन सबको अच्छे से लगाया, जिसके बाद मैंने अपने जो भी वीक एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई किया और मैंने उन पर वर्क करना शुरू कर दिया। जिसके बाद फिर हम लोगों का जो सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर को, उसको मैंने अपियर किया था। मेरा एग्ज़ाम सेंटर जबलपुर था, मैंने उसको अपियर किया और उसको बाद हमारा जो रिजल्ट्स था वो लगभग 15-20 दिन में आ गया था। इस बार थोड़ा जल्दी आया था रिजल्ट्स, तो हम लोग का जल्दी रिजल्ट्स आ गया था, अनएक्सपेक्टेड था। और जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने क्लियर कर लिया था, तो उस वक्त मैंने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स थोड़े खुश हुए। उसके बाद बारी आती है SSB की। रिटर्न तो मैंने निकाल लिया था, बट SSB में अब थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि SSB एक थोड़ा टफ इंटरव्यू है, क्योंकि ये 5 दिन तक लंबा चलने वाला इंटरव्यू है। बाकी जगहों के इंटरव्यू जैसे नहीं है कि 1-2 घंटे में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ये 5 दिन लंबा चलता है, जिसमें आपकी हर चीज़ देख ली जाती है, मनसा कर्मणा वाचा, 3 पॉइंट्स में आपको पूरी तरह जज कर लिया जाता है, जिसमें फिर थोड़ा डर लगना शुरू हुआ था। बट मैंने उस डर को कंट्रोल किया और शुरुआत के जो 1-2 महीने थे उसको तो मैंने अपने ऑनलाइन प्रिपरेशन कर ली थी, बट फिर जब मेरे को थोड़ी दिक्कत आने लगी आउटडोर टास्क पे, थोड़ा साइक पार्ट पे दिक्कत आ रही थी, तो मेरे को एक आउटडोर की फीलिंग लेने के लिए मैंने ज्वाइन किया सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। अब एकेडमी ज्वाइन करने का भी जो डिसीजन था वो मेरे लिए लेना ज़्यादा आसान था नहीं, क्योंकि नवंबर मंथ में हम लोगों के जो CBSE बोर्ड्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस होनी थी वो होनी थी। तो मैंने टीचर से कंसल्ट किया, तो टीचर्स ने बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा जब तुम लौटोगे। तो मैंने टीचर्स की बात मानी और यहाँ आके अकेडमी ज्वाइन कर ली। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद फिर हम सब ने यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ प्रिपरेशन करी, हर चीज़ में हम लोगों को यहाँ पे बहुत मदद मिली थी, जो भी हमको स्टडी मटेरियल्स मिले, रणनीति बुक मिली, यहाँ पे जो लाइव क्लासेस चला करती थी सारे टीचर्स की, वो सब बहुत यूज़फुल थी। जो हमें इंडिविजुअल गाइडेंस और पर्सनल फीडबैक मिला था किस जगह पे हमको इम्प्रूवमेंट करनी है, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उन सब पे मैंने वर्कआउट किया। उसके बाद फिर
नवंबर एंडिंग पे मैं वापस अपने घर आ गया था। उसके बाद हम सभी जो दोस्त थे जिनकी अपकमिंग SSB थी, हम सब ने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको SSB की प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आपने कोई ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन कर ली उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए क्योंकि प्रिपरेशन इज़ अ मस्ट। तो हम सब जितने दोस्त थे, हम सब ने एक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और हम लोग रोज़ रात को 8 बजे मिलते थे गूगल मीट पे, और हम लोग अपनी कभी PPT की प्रैक्टिस कर लेते थे, कभी ग्रुप डिस्कशन की, कभी लेक्चरेट की, कभी GPE की। तो ये सब भी बहुत अच्छा था क्योंकि टीचर्स तो आपको कभी कभी मिलते हैं गाइडेंस देने के लिए, बट आप जिन बच्चों के साथ प्रिपरेशन करते हैं जब वो आपको गाइडेंस देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा चांस रहता है इम्प्रूव होने का। तो जो भी मेरे को मेरे फ्रेंड्स बताते थे वीक एरियाज़, तो मैं उस पर वर्कआउट करता गया। और लगभग मिड दिसंबर को हमारी SSB की डेट्स आ गई। तो जब मैंने बोर्ड देखा तो मेरा नेवल सेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम था और मैंने 7 जनवरी की डेट चूज़ कर ली। उसके बाद हम लोग यहाँ से 4 जनवरी को निकल गए थे अपने घर मध्य प्रदेश से, और मैं लगभग 6 जनवरी को विशाखापट्टनम हम लोग पहुँच गए थे। फिर विशाखापट्टनम में हम लोग ने थोड़ा सा मतलब सिटी एक्सप्लोर की। उसके बाद मैं 7 तारीख को SSB के लिए चला गया था। फिर जब रेकमेंड हो हमारा 5 दिन इंटरव्यू चला, स्क्रीनिंग तो निकल गई थी मेरी अच्छे से। और उसके बाद 5 दिन जब इंटरव्यू चला, तो उसके बाद जब हमारा लास्ट डे आया तो रिकमेंडेशन के जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तब मैं थोड़ा रोने लगा था, इमोशनल हो गया था क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा और गलतियाँ मैंने थोड़ी की थी, डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी। जैसे मैंने SRTs पे मैंने अपने लास्ट 5 में थोड़ी सिक्वेंसिंग बिगाड़ दी थी, GD में भी मैं ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, और इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैंने जवाब नहीं दिए थे। तो उसमें थोड़ा मतलब डर लग रहा था कि क्या मैं रिकमेंड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं रोज़ रात को भगवान से यही प्रे करता था कि भगवान रिकमेंड करा दो, और शायद भगवान ने मेरी सुनी भी थी। मैं और इसका भगवान के लिए मैं आज भी धन्यवाद कहता हूँ भगवान को कि भगवान ने मेरी सुनी। और जब हम लोग का रिकमेंडेशन रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा चेस्ट नंबर 18 था। तो जैसे ही हमारे साइकोलॉजिस्ट सर ने चेस्ट नंबर 18 बोला, उसके बाद 2 लड़कों को और बोला, उसके बाद मैं लगभग 10-15 मिनट तक रोते रह गया कंटिन्यूसली। और मतलब ऐसे नहीं कि हल्के से आंसू आ गए थे, एकदम पूरे आंखों से आंसू बहने लगे थे, रिकमेंड हो गया था। फिर हमारे जो सर थे उन्होंने बोला, अब तो तू रिकमेंड हो गया, अब क्यों रो रहा है। फिर हमको ले जाया गया और हम लोगों को मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। मैं इतना रो रहा था कि पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो पेरेंट्स भी डर गए थे कि रो क्यों रहा है, कहीं हुआ तो नहीं, तो कहीं नहीं तो हो गया क्या। तो मैं बोला कि नहीं, मैं रिकमेंड हो गया। तब पेरेंट्स खुश हुए, और उसके बाद फिर हम लोग ने मैंने टीचर्स को इन्फॉर्म किया, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया, उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन हुआ और फिर मेडिकल्स हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में सेल्फ बिलीफ है तो आप NDA का रिटर्न और SSB दोनों पार्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत बच्चों ने निकाल चुका है। तो आप ये मत डरिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा, बस सेल्फ बिलीव रखिए, हर चीज हो जाएगी। सो थैंक यू, जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी।